तो अभी आप देख सकते हो कि मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मुंबई का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट, यानी फूलों का मार्केट। ये भाई साहब इतना बड़ा मार्केट है ना, जहाँ पर आप जाओगे ना तो बिल्कुल गुम हो जाने वाले हो, बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आने वाला कि यार मैं कहाँ आ गया और इतने सारे रंग बिरंग के फूल ये कहाँ पर मिलते हैं, कैसे इसको मैंने देखा। मतलब एक्चुअली मैं आपने देखा भी नहीं होगा, ऐसा ऐसा फूल यहाँ पर सेल होता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुनिया के कुछ अजूबे फ्लावर्स, कुछ अजूबे फूल्स, यानी जो आप समझ लो अजूबा इसलिए है क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडिया के फ्लावर सेल नहीं होते। ये जो मार्केट है ना, यहाँ पर जो विदेश के जो फ्लावर है ना वो भी सेल होते हैं, और भाई सबका जो है ना नेक्स्ट लेवल का प्राइस होता है, और सब किसी का क्वालिटी भी एक नंबर होता है, और सब का सब जो है ना जेन्युइन होता है, रियल होता है, मतलब बिल्कुल ताजा तरीन आपको मिलने वाला है। विदेशों का भी जो फूल है ना वो भी आपको बिल्कुल ताजा मिलने वाला है, बिल्कुल भी उसमें वो नहीं है कि मुरझाया हुआ मिलेगा या सड़ा हुआ मिलेगा या बनावटी मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही रियल मिलता है। क्योंकि मैं सवेरे सवेरे निकल चुका हूँ, ये जो मार्केट है ना ये लगता है 5 बजे से लेकर, यानी 5 बजे से पहले भी लगता है, 4 बजे से 7 बजे तक का आप जोड़ सकते हो। ये बिल्कुल अंधेरे में मैं अभी निकल के आया हूँ आपको स्पेशली दिखाने के लिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ दुनिया के कुछ अजूबे फूल्स, अजूबे फ्लावर और बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर। सो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ द बिगेस्ट मार्केट, द बिगेस्ट फ्लावर मार्केट ऑफ मुंबई, यानी दादर मनीष मार्केट। ये एक मार्केट ऐसा है जहाँ पर फूलों का जो कारोबार है इतना ज्यादा होता है, अगर आपको मतलब ऐसे लिटा करके अगर उसके ऊपर फूल डाला जाए ना तो भाई आप गायब ही हो जाने वाले, मतलब जितने भी सारे आदमी है ना वो सारे गायब हो जाने वाले, इतना ज्यादा फूल का सेल होता है। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तभी मेरे पीछे में देख सकते हो यहाँ पर भी फ्लावर का सेल हो रहा है, तो ये जस्ट नॉर्मल है। मैं आपको आगे जो दिखाने वाला हूँ ना वो एक बड़ा सा मार्केट दिखाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा सेल वाला इलाका दिखाने वाला हूँ। जहाँ कहीं भी आप जाओ, जिस वाले एरिया में भी जाओ, वहाँ फूल का ही सेल होगा, अदरवाइज और किसी का नहीं होगा। जब ये लोग का मार्केट खत्म हो जाएगा फिर दूसरा जो मार्केट है ना वो स्टार्ट होगा, तब जाके एक दादर का पूरा प्रॉपर मार्केट बसेगा और तभी लगेगा भाई हम एक्चुअल दादर में। तो आप समझ सकते हो यहाँ रिटेल होलसेलिंग दोनों ही चीज़ होता है, और सब का सब फूल जो है ना वो ताज़ा होता है। तो कभी कभी तो मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि यार ये लोग इतना जो ताज़ा फूल का जो व्यापारी है वो कैसे कर रहे हैं, मतलब यानी फूल का तो एक वैलिड टाइम होता है, कितना टाइम तक वो टिकेगा, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा। और पता नहीं ये लोग को किस तरह से, इस लोग का सेल कितना है कि भाई इतना बड़ा मार्केट लगता है और सब किसी का सेल, सब किसी का जो बेनिफिट है वो हो जाता है, भाई मेरे समझ से तो बाहर है भाई साहब। ये फूल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं। इस फूल को मे भी हम लोग बोलते हैं भेंट का फूल। देखो भेंट का फूल यहाँ पर कितना शान से सेल होता है, और हम लोग इसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते। ये देखो ये पूरा भेंट का फूल है, और ये पता नहीं कौन सा फूल है यार, ये देखो बिल्कुल ही धनिया की तरह लग रहे हैं। और यहाँ देखो सब का सब जो है ना ताज़ा फूल है भाई साहब, एक नंबर फूल है सर, सब ताज़ा है। और यहाँ पर इस मार्केट में आप जो है ना बनावटी फूल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बनावटी अगर फूल लेना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग मार्केट है, बट ये जो है ना ये पूरा ताज़ा वाला मार्केट है। ये गुलाब आप देख सकते हो, ये जो है ना ये छोटा सा गुलाब है, उधर बड़ा गुलाब, ये छोटा गुलाब, ये देखो भाई साहब ये कितना ही प्यारा लग रहा है। ओ भाई साहब ताज़ा फूल है, और सब फूलों का जो है ना सब माला बना के रखे हुए, ऐसा जो है ना सब फूलों का बिल्कुल माला बना के रखे हुए। और ये जो है ना बिल्कुल ताज़ा है, इसको बिल्कुल भी बनावटी नहीं सोचना है, क्योंकि भाई बिल्कुल ही ताज़ा है। आप देख सकते हो इसमें एक ताज़ा पत्ता लगा हुआ है, उसके ऊपर ये इस तरह का फूल्स लगा हुआ है, कितना बेहतरीन लग रहा है यार ये, मुझे मैंने पागल सा हो रहा हूँ सच में। मतलब जो बना रहे जो कारीगर है उनके हाथ की सफाई आप देख सकते हो, कितना बेहतरीन तरीके से इसको जो है ना ऐसा डेकोरेट करते हैं। ये जो देख रहे हो ना ये भी बिल्कुल ताज़ा फूल है, इसका बनावटी है बट ये जो है ना पूरा ताज़ा है। भाई सबका मिनिमम प्राइस क्या होता है, इसका दाम कितना? 800 रुपये। 800 रुपये एक का? 900 दो का? 400 रुपये के। ओ भाई साहब 400 रुपये का एक है? सीजन में 1200-1500 रुपये जुड़ी है, 800 रुपये जुड़ी। 800 रुपये जुड़ी, सिंगल नहीं देते? सिंगल भी मिलेगा। सिंगल भी मिलेगा, मतलब ये तो ज्यादा वो दूल्हा दुल्हन को पहनाने के लिए लेता होगा। दूल्हा दुल्हन के ये सब स्पेशली बनाया जाता है, और इसका आप देख सकते हो कितना सफाई से काम हुआ है, जो कारीगर है वो कितना ही अच्छे तरीके से। ये गुलाब का पंखड़ी सब है, ये जो है ना ये सारा गुलाब का पत्ता आप देख सकते हो, जो गुलाब के फूल से पत्ता निकलता है ना उसी को ऐसा सजा करके ये लोग बनाए हैं। जैसा कि रेट भी आपको पता चल गया, ये जो है ना 400 कुछ का मिलता है, और ये भी ये सारा देख सकते हो यहाँ पर भाई अलग ही लेवल का फूल है पूरा। इसका ये वाला बनावटी नहीं, ये बनावटी है ना सर, ये ओरिजिनल नहीं है ना? ये सारा ओरिजिनल है, बट इसका जो है ना लाल वाला थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इस तरह से इसको एडजस्ट किया गया है ताकि भाई अच्छा लगे। ये कौन सा फूल है सर? ये कंडीशन। कंडी कंडीशन कंडीशन इसे सब जो नाम है सब ओरिजिनल नाम है क्या? हाँ ऐसा कहीं भी इस नाम से मिल जाएगा?
और ये लोग जो है ना सारा जो जेन्युइन नाम से ही इसको सेल करते हैं। सबका सब जो नाम जो है ना वो जेन्युइन होता है, प्योर होता है, कोई भी बनावटी नाम नहीं। आप देख सकते हैं उसको जो है ना ऐसा कागज़ में लपेटे हुए, कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ अलग टाइप का, ये जो है ना प्योर बनावटी लग रहा है। बट भाई साहब ये मिस्टेक मत करना क्योंकि यार बिल्कुल रियल फूल है ये। देख ये जितने भी सारे फूल है ना सब रियल है। इस मार्केट में आपको बनावटी फूल नहीं मिलने वाला है। हर तरह के फूल से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। सो अभी जो है ना मैंने आपको दिखा दिया ये फूलों का मार्केट, यहाँ पर कितना जो है ना फूल सेल होता है, ठीक है, कितने सारे दुकान लगते हैं जो एक्चुअली में जो है ये सारे रिटेलर्स है। अभी मैं आपको होलसेलर के पास ले जाने वाला हूँ और होलसेलिंग का जो वो लोग काम करते हैं किस तरह से करते हैं ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको कभी फूलों की ज़रूरत हो, यानी आपको अपनी गर्लफ्रेंड को फूल देना हो या फिर कहीं से आपको अगर होलसेलिंग करके यू नो कहीं अगर फूल जाके बेचना हो तो आप जो है ना मनीष मार्केट में संपर्क कर सकते हो। तो आपको यहाँ से हर एक तरह का फूल मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ये तो भाई और ये अलग लेवल का फूल है। मैं जितना अलग जाता जा रहा हूँ, दूर जाता जा रहा हूँ ना, ये यहाँ पर फूल का जो है ना वैरायटी बदलता जा रहा है। ये देखो हर जगह आपको ऐसा ऐसा फूल मिलने वाला है। ये तो भाई कुछ खुला है कुछ खुला भी नहीं है, बिल्कुल ताजा ताजा फूल ये लोग लेके आए, लग रहा है कि अभी जो है ना ऐसा तोड़ के लेके आए। लेकिन इन लोग का जो है ना ऐसा फूल को सिक्योर रखने के लिए, फूल को अच्छे से रखने के लिए कोई टिप्स होता है, कोई ट्रिक होता है। सो वो सारा जो है ना अभी मैं होलसेल के पास जाने वाला हूँ और वो सारा जो है आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से मेंटेन रखते हैं इस चीज़ को, इसका जो एक्चुअल वैलिडिटी है वो कितना दिन होता है, वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए ये देखो फूलों का मार्केट, ये भाई सब का सब ओरिजिनल फूल है बिल्कुल भी। ये कौन सा है भाई फूल का नाम क्या है? ग्रीन बटन। अब बटन टाइप से हो तो उसको बटन नाम रख दिया। ओ भाई साहब ये देखो ग्रीन बटन, ऐसा लग रहा है अगर तू बगल से दिखाओ ना तो ये लग रहा है कि गोभी का फूल हो पूरा। ओ भाई साहब सब ओरिजिनल है भाई, कोई बनावटी नहीं, सब नेचुरल है, लग रहा है जैसा ना कि सब बनावटी जैसा फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट है, हाथ लगाते ही टूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है, मतलब बहुत हेवी भी होता है। ये देखो ये और अलग लेवल का फूल है यार, मैं कितना दिखाऊं आपको समझ में नहीं आ रहा। ये जब से मैं मार्केट में एंट्री किया हूँ जब से मैं आपको फूल ही फूल दिखा रहा हूँ और हर एक लेवल का फूल दिखा रहा हूँ भाई साहब, मैं ना खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने इससे पहले ये मार्केट जो है ना इतना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था, इतना अच्छे से नहीं देखा था। आज आपके थ्रू यानी आपको दिखाने के चक्कर में इस मार्केट को मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ये कौन सा फूल है यार, ये देखो भाई साहब, मैं जितना जाते जा रहा हूँ उतना यूनिक यूनिक फूल यहाँ पर मिलता जा रहा है, बिल्कुल ही यूनिक। ये देखो हर तरफ जो है यूनिक फूल है, ये भी एक सूरजमुखी फूल है जो कि बिल्कुल ही ताज़ा है। ये देखो भाई साहब, हाँ यहाँ पर जो है ना एक अलग लेवल का फूल आपको मिलने वाला है, जैसा कि ये थोड़ा सा झाड़ू टाइप से दिखता है। और ये क्या है, ये तो गेहूं का वो लग रहा है यार, ये देखो। गेहूं वाला भी फूल सेल होता है यार, गेहूं का दाना वाला, ये देखो। लेकिन भाई बहुत ही नेचुरल लग रहा है, अलग लेवल लग रहा है पूरा, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो हम लोग के वहाँ गेहूं में ऐसा अच्छा लगता है क्या, यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब ये देखो, ओ भाई साहब, भाई इस फूल का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बाजरी। इसको ये गेहूं, ये प्योर गेहूं ही है ना, ये प्योर गेहूं ही है। ये देखो बाजरी फूल, भाई ये फूल तो मुझे पसंद है यार, ये अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। तो मैं फ्यूचर में इसको अपने जो है ना जगह पे सेट करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा सा फूल ले जाने वाला हूँ। ये देख सकते हो ये सारा फूल बाजरी आजरी गाजरी क्या क्या है, और सबका एक अलग लेवल का पहचान है भाई। सबको एक जगह रखो ना, सबकी एक अलग सी पहचान है। और यहाँ पर जो है ना आपको एक चीज मिलने वाला है ऐसा कि जहाँ पर मतलब आप देखोगे कि यार फूल एक ही टाइप का आपको दिखेगा, एक टाइप का फूल दिखेगा, बट उसके कलर्स जो है ना बहुत ज्यादा चेंज रहेंगे, कोई येलो रहेगा, कोई ब्लू रहेगा, कोई ग्रीन रहेगा, मतलब कन्फ्यूजन सा यार, ये लोग फिर ऐसा कलर को कैसे चेंज करते हैं। सो ये देख सकते हो दोस्तों, ये कौन सा फूल है यार, मतलब ये अलग अलग लेवल का फूल आपको मिलने वाला है, बिल्कुल ही अलग लेवल का, जिसको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आप ये देख सकते हो, ये फूल का मतलब ऐसा पत्ता जैसा लग रहा है, इसको भी किस तरह से डेकोरेट कराए गए हैं ताकि ये जो है ना प्योर फूल बन चुका है। और प्योर ये फूल है, ये सब फूल है, फ्लावर्स ही है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि ऐसा वो पत्ता जैसा फील हो रहा है कि एक अलग टाइप का पत्ता हो। पानी में होता रहता है क्या सर, पानी में होता है क्या? ये सबका भी पेड़ आता है, आप देख सकते हो भाई, इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। तो आप देख सकते हो ये वाला कलर, ये वाला सब जो है ना वैरायटी सिमिलर है बट इसमें कलर का चेंजिंग है। आप देख सकते हो कितने का पड़ता है भाई एक गुलदस्ता, ये एक 400, इतना महंगा क्या है? इम्पोर्टेड है भाई साहब, कोलंबिया से। ये कोलंबिया का आइटम है, अरे ये कोलंबिया से जो है ना इम्पोर्टेड ये आइटम है, कोलंबिया का ये फूल है। तो यहाँ पर जो है ना इसलिए इसका थोड़ा सा प्राइस हाई है। अगर आप ये एक गुलदस्ता लेते हो ना तो इसका आपको 400 रुपीज़ पे करना पड़ता है। अब वो कहाँ गए? हॉलैंड। भाई साहब ये हॉलैंड का है, तभी मैं सोचूं यार मतलब इतने सारे जो फूल्स है मैंने कभी देखा ही नहीं था इन सबको, और भी बहुत सारे है ना, ये सारे जो है ना इम्पोर्टेड फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है। तो ये देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी बहुत सारा ऐसा फूल रखा हुआ है जो कि मतलब बहुत सारे फूल्स है ना वो इम्पोर्टेड है, बहुत सारे यहाँ के फूल नहीं है, इस कारण से इस तरह का यूनिक दिख रहा है। और उसको न तो मैंने देखा है न आप सबने देखा है, तो भाई समझ सकते हो भाई नेक्स्ट लेवल का फूल कैसे होता है।
और तभी आप जो है ना ये चीज सोच सकते हो कि मनीष मार्केट एक इतना बड़ा मार्केट है जहाँ पर ऐसा नॉर्मली सेल नहीं होता है। मतलब यहाँ विदेशों से भी इम्पोर्ट कर करके यहाँ पर जो है ना ऐसा मतलब फूलों का व्यापार, फूलों का कारोबार आप कह सकते हो, सारा चीज यहाँ पर चलता है विदेश से इम्पोर्ट होकर के। अभी आप देख सकते हो सामने में पुलिस की गाड़ी है, यानी अब जो है ना ये मार्केट बंद होने वाला है क्योंकि इसका टाइम अब हो चला है। ये रात में ही ऐसा फूलों का धंधा करते हैं ज्यादातर, मतलब ऐसा जब सुबह होता नहीं है तब तक। सामने पुलिस की गाड़ी है क्योंकि ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है, तो इस कारण से जो है ना ऐसा पुलिस की गाड़ी आती है और सभी छोटा मोटा जितना सारा दुकान है ना वो सारे दुकान को हटा देती है, मतलब रोड के किनारे में दुकान लगाने नहीं देती है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाला जो मार्केट है ना इसका टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ रहता है 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में। अगर आपको प्योर चाहिए यानी अगर रेगुलर चाहिए तो आपको उस तरफ जाना पड़ेगा जो कि दुकान वाला जो फ्लावर है वो लोग सेल करते हैं। सो दोस्तों अब जो है ना ये मार्केट पूरी तरह से बंद होने वाला है क्योंकि ये धीरे धीरे बंद ही होगा, पुलिस की गाड़ी आ गई है और ये मार्केट का टाइम भी हो चला है, तो अब ये मार्केट बंद होने वाला है। सो दोस्तों चलो यार मैं आपको ना कुछ स्पेशल दिखाने की कोशिश किया, बहुत सारे फूलों से आपको रूबरू कराया, जो फूल्स आपने कभी नहीं देखे होंगे वो फूल मैंने आपको दिखाया। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरह की वीडियोस के लिए। और ये फ्लावर मार्केट अगर आप कभी विजिट करना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दादर का जो मेन रेलवे स्टेशन है ना वहाँ आना है, रेलवे स्टेशन से आपको प्रभा देवी वाली साइड में आना है, यानी आप रेलवे स्टेशन आओगे ना तो आपको जो पूरा एरिया फ्लावर का जो मार्केट है ना वो आपको दिख जाएगा। और यहाँ से आप किसी भी टाइप का फ्लावर जो है ना वो बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो, भले ही वो होलसेलिंग हो रिटेलिंग हो सब तरह के फ्लावर्स आप खरीद सकते हो। क्योंकि यहाँ जितने सारे दुकानदार है ना ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दुकानदार जो है ऐसा जो फ्लावर जो सेल कर रहे हैं तो सब होलसेलर हैं, ये लोग जो है ना यहीं पर खरीदते हैं यहीं पर बेचते हैं, क्योंकि भाई रेट का जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। होलसेलिंग में आप खरीदो उसको रिटेल में करते हो ना तो बहुत ज्यादा रेट का डिफरेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक बेनिफिट हो जाता है किसी भी दुकानदार को, मतलब ऐसे नॉर्मली अगर कोई बेचता है तो। चलो यार ये फ्लावर मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पर, अभी इधर वाला जो है ना पूरा चल रहा है, इतना भर भर के फ्लावर है ना भाई साहब जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको दिखा दिया रंग बिरंग के फ्लावर जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था, वो मैं आपके जरिए से यानी आपके दिखाने के थ्रू से मैं खुद देख पाया। चलो फिर मिलते किसी नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।